जय श्री राम जी। ऐसा जी, हमने तो कई बार नगर निगम के बाहर धरने भी लगाए और हजारों एप्लीकेशनें हमने नगर निगम को दी और सैकड़ों जो हमारे जो लोग हैं और सभी धार्मिक संस्थाएं मिलकर यहां पे इकट्ठे भी हुए, पशु भी बेसहारा गौवंश भी हम नगर निगम लेके गए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई अभी तक। और अगर ऐसा कुछ नहीं करा नगर निगम ने इन बेसहारा गौवंश के बारे में, कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करी या गौशाला नहीं बनाई, तो इसमें बहुत ही भयानक और बहुत ही लोग मिलकर और सभी धार्मिक संस्थाएं मिलकर यहां पर आएंगी और नगर निगम के बाहर अब धरना नहीं लगेगा। अब सभी गौवंश नगर निगम के अंदर होंगी और सभी अफसरों के गेटों के पास सभी गौवंश बांधने पड़ेंगे। सर, मेरा नाम कमल है। कमल जी, ये गायों की समस्या बारे में बढ़ती जा रही है, क्या किस तरह देखते हैं, क्या कहते हैं? सर, गौवंश का, सर नगर निगम के कई बार पीछे हमने देखा था न्यूज़ के अंदर भी कि वहाँ हंगामा हुआ है, कुछ संस्थाएं हैं जो पहुंची हैं वहाँ पे, उसके बाद भी आप देख लो कि इतना बुरा हाल है। ये तो अभी तो पीछे बैठी हैं, ये दिन के अंदर बाहर आ जाती हैं और इतना एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे, रोज़ किसी ना किसी का नुकसान हो रहा है। कोई नगर निगम में कोई रिपोर्ट नहीं देख रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, इतने ज़्यादा यहाँ लोग परेशान हुए हैं। अभी दिन हो चाहे शाम हो, या अभी दिन अभी बैठे हैं दोपहर के टाइम, शाम को और सुबह सुबह बाहर आ जाते हैं, कभी बाइक का एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कार से टक्कर हो रही है, हर रोज़ परेशान हो रहा है। नगर निगम पता नहीं कहाँ सो के बैठा है, पता नहीं क्या कर रहा है, मगर नगर निगम का समझ नहीं आ रहा। देखिए, हमने पिछले दिनों नगर निगम कमिश्नर को लिख दिया था कि आप जल्द से जल्द इसका समाधान करें कि आवारा पशु जो है सड़कों पर इस तरह घूमते नजर ना आए। अगली हमारी मीटिंग जो है वो 30 या 31 तारीख को प्रस्तावित है, बजट की मीटिंग है, उसके अंदर जो भी इस तरह के मुद्दे हैं उसको ज़ोर शोर से उठाया जाएगा। और हमारी उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द नगर निगम की अपनी गौशाला बनाएं ताकि जो भी इस तरह की परेशानियां शहर में रह रही हैं उसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। मेहता जी, लेकिन निगम की बैठक में जो फैसले लिए जाते हैं, जो प्रोसीडिंग होती है, वो भी आप लोगों का कहना है कि लंबित रहती हैं, तो देखिए ये रवैया तो आप भी देख ही रहे हैं, आप हमेशा हाउस की मीटिंग के अंदर भी होते हैं और ज़मीन पर भी आप देख रहे हैं कि इस तरह परेशानियां लोगों को आ रही हैं। लेकिन अब हमने सभी पार्षदों के साथ एक फैसला किया है कि पिछले जो हाउस के एजेंडे पास हुए हैं पहले उस पर इम्प्लीमेंट कराया जाए, तभी अगले ऊपर चर्चा किया जाए, इस तरह से हाउस का मजाक नहीं। जय श्री राम जी। ऐसा जी, हमने तो कई बार नगर निगम के बाहर धरने भी लगाए और हजारों एप्लीकेशनें हमने नगर निगम को दी और सैकड़ों जो हमारे जो लोग हैं और सभी धार्मिक संस्थाएं मिलकर यहां पे इकट्ठे भी हुए, पशु भी बेसहारा गौवंश भी हम नगर निगम लेके गए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई अभी तक। और अगर ऐसा कुछ नहीं करा नगर निगम ने इन बेसहारा गौवंश के बारे में, कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करी या गौशाला नहीं बनाई, तो इसमें बहुत ही भयानक और बहुत ही लोग मिलकर और सभी धार्मिक संस्थाएं मिलकर यहां पर आएंगी और नगर निगम के बाहर अब धरना नहीं लगेगा। अब सभी गौवंश नगर निगम के अंदर होंगी और सभी अफसरों के गेटों के पास सभी गौवंश बांधने पड़ेंगे।